हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय फूड विद अकू। और फोटो देख के तो आप समझ ही गए होंगे आज मैं क्या बना रही हूँ। पालक की इतनी सिंपल तरह की सब्जी, यकीन मानिए जो भी खाएगा तो वाह ही करेगा और पूछेगा कैसे बनाया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी बना सकता है। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाला है सरसों का तेल एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच। अब इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, हींग, इसको थोड़ा अच्छे से चटकने देंगे जीरे को। अब यहाँ मैंने लिया है दो मीडियम साइज का प्याज, महीन चॉप किया हुआ, इसको भी अच्छे से चला देंगे। थोड़ा इसको सॉल्टी कर लेंगे पहले, इसमें हल्का सा सॉल्टी होने के बाद इसमें मैं डालूंगी लहसुन, जो मैंने 5-6 लहसुन की कली ले ली थी उसको महीन चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें इसको डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से चला देंगे, सभी को मिक्स कर देंगे और प्याज को थोड़ा अच्छे से भुनने देंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है, यहाँ अच्छे से भून गया है। अब मैंने यहाँ लिया है 3 मीडियम साइज के छोटे वाली टमाटर, उसको भी महीन चॉप कर लिया था, वो भी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी को। तो यहाँ भी इसको अच्छे से भून लेंगे पहले मसाले को। वो कहते हैं ना, मसाला जितना अच्छे से भूनता है उतना ही सब्जी में स्वाद आता है। तो यहाँ भी अच्छे से मसाले को भून लेंगे और यहाँ पे मैं ढक्कन को लगा दूंगी इसमें, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दूंगी मसाले को। मसाला मतलब प्याज, टमाटर, लहसुन। तब तक साइड से मैंने एक यहाँ पैन ले लिया है दूसरी तरफ। इसमें डाला है मैंने 2 चम्मच बेसन। तो आप कहेंगे बेसन का क्या काम है, लेकिन देखिए इतना टेस्ट अच्छा आता है ना इससे। तो यहाँ मैंने इसको पहले भून लिया है। अगर आप बेसन को भून के डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अलग आएगा। तो यहाँ मैंने इसको भून लिया है। अब इसको मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ, नहीं तो इसमें जल जाएगा। तब तक देखिए ये टमाटर और प्याज अच्छे से भुन गया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा ऑयल ऊपर से इसमें रिलीज हो गया है, इसका मतलब ये भुन गया है। इसको भी अच्छे से चला देंगे। अब इसमें जो नॉर्मली मसाले हम घर में यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, जो कश्मीरी में होता है लाल मिर्ची, वो रंग जिससे आता है वो वाला। और यहाँ डाला मैंने धनिया और ये गरम मसाला मिक्स है वो, और स्वाद अनुसार नमक, जिसको आप देगी मिर्च भी बोलते हैं, लाल मिर्च जो बोलते हैं कलर्स के लिए, वो वाला है ये मिर्ची, तीखा नहीं है। तो यहाँ मैंने ये पानी लिया है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी ये कौन सा पानी लिया है मैंने। थोड़ा सा इसमें पानी डाला है मसाले में, बस इसको अच्छे से चला देंगे। तो इसमें कोई भी मसाला मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है, बस इसको अच्छे से चलाएंगे। थोड़ी देर से फिर से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ देखिए ये भी अच्छे से भुन गया है। अब मैंने यहाँ ले लिया है 1 कटोरी सफल जो वाली जो मटर आती है ना, वो मैंने पहले ही उबाल ली थी पानी में, तो ये अच्छे से बॉइल हो गई थी। इसमें भी इसको ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से चला देते हैं। थोड़ा देर इसको भी भून लेते हैं, क्योंकि जो इसका रस है, जो मसाले का रस है, वो थोड़ा मटर में जाएगा, वो अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने पालक को पहले ही पानी में उबाल लिया था, तो यहाँ ये ठंडा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको सारा पालक निकाल लूँगी, पानी से अलग कर लूँगी थोड़ा। वो कहते हैं ना, कितना सारा पालक लेते हैं और लास्ट में जब वो बॉइल करते हैं तो कितना सा रह जाता है, थोड़ा सा रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको उबाल लिया। जो पालक की 1 गड्ढी आती है वो मैंने यूज़ की थी। इस पानी को हम छान के इसको सब्जी में ही यूज़ करेंगे, तो यही वाला पानी मैंने उस टाइम मसाले में डाला था। तो यहाँ मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये सब पालक। अब इसमें डालूंगी मैं 2 हरी मिर्ची। आप हरी मिर्च अपने हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डाल दिया मैंने अदरक, तो इसका भी फ्लेवर अच्छा आएगा और इसी में मिक्स हो जाएगा, तो ऊपर से हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको यहाँ मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, तो हम इसको रख देते हैं साइड। तब तक ये देखिए मसाला अच्छे से रेडी हो गया होगा, मतलब भुन गया होगा और अच्छे से। बस इसको हम चलाएंगे यहाँ पर। अब जो मैंने बेसन जो भुना था ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो भुना हुआ है, इसका स्वाद और अच्छा आ जाएगा सब्जी में डाल के।
तो अभी मैं आपको बताऊंगी बेसन डालने से क्या होगा और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा हमको बेसन डालने से। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, ये तो आप सभी को पता है, बेसन अगर ग्रेवी में डालेंगे तो स्वाद तो बहुत ही अच्छा आएगा और साथ ही साथ ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। अब जो मैंने जो पालक पीसा था ना, वो मैंने एक कटोरी में इसको ले लिया है, तो ये एक कटोरी पालक का पेस्ट हो गया। तो सारा इसमें ऐड कर देंगे इसको। और अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप 2 चम्मच चावल भिगो के इसमें पीस सकते हैं पालक के साथ ही, इससे भी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, स्वाद अच्छा आएगा। अब जो जिसमें मैंने पालक पीसा था जार में, उसी में मैंने ये वाला पानी छान लिया है, जिस जो पालक को मैंने बॉइल किया था वाला पानी। तो एक्स्ट्रा पानी आपको नहीं डालना है, यही वाला पालक पानी डालना है। और जो कटोरी में एक्स्ट्रा लगा था पालक, वो भी इसमें डाल देती हूँ। तो बस आप अपने रस के मतलब आपको जितना चाहिए आप उस क्वांटिटी में डाल सकते हैं। ये एवरग्रीन सब्जी है, मतलब आप किसी के साथ इसको खा सकते हैं, चावल, चपाती, पराठा, नान, किसी के साथ भी अगर खाएंगे ना तो सच मानिए, यकीन मानिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। और इस तरह से मैं इसको चला दूंगी। तो मुझे ये राइस के लिए बनाना है, तो थोड़ा मैं इसमें ग्रेवी रखूंगी। अगर आपको पूड़ी, पराठे या किसी के साथ खाना है तो आप ग्रेवी कम करिए, तो सच में बहुत ही पसंद आएगा। ना ही इसमें आलू है, ना ही इसमें कुछ है, ये हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कापा। हमारे घर में तो बहुत ही सिंपल से बनता है, इसमें मटर भी नहीं पड़ती है। जब सासू माँ मेरी मम्मी बनाती है तो यकीन मानिए सभी को बहुत पसंद आता है, तो मैंने तो इसमें मटर भी यूज़ किया है। तो बस इसी तरह से ये बातों बातों में यहाँ देखिए ये पक गया है अच्छे से। तो बस इसको अगर हम चावल या किसी के साथ सर्व करेंगे, ओह हो, तो एक बार आप ज़रूर बनाइए, बहुत सिंपल तरीके से बनता है। और बस ये बनकर रेडी हो गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी चॉप किया हुआ धनिया। आप कहेंगे ग्रीन सब्जी है और धनिया भी ग्रीन, तो ऐसे क्यों डालो, लेकिन सभी का स्वाद अलग अलग आता है ना। तो बस इस तरह से धनिया डाल के सर्व कीजिए। अब मैं यहाँ ले लूँगी 1 चम्मच मलाई कटोरी में। तो अब ये देखिए कितना थिक हो रहा है ना, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फेंट लेंगे थोड़ा हाथों से, तो उससे क्या होगा, ये देखिए इससे हम गार्निश कर सकते हैं। अगर आप इस तरह किसी को भी बनाकर खिलाएंगे तो यकीन मानिए सभी को मज़ा आ जाएगा और सभी पूछेंगे आपने इसको कैसे बनाया। आलू और सब्जी से बोर हो गए हैं तो इस तरह से बनाइए सब्जी और सभी को खिलाइए। और बस इस तरह से सर्व कीजिए। और बस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन्जॉय।